subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने मांगों को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि लगातार पत्रकार कर रहे शिक्षकों को लेकर मांग, और आपको बता दें हाल ही में पत्रकारों के साथ काफ़ी घटनाएं घट चुकी हैं जिसका अभी तक कोई अता पता भी नहीं है। देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाले मीडिया के साथ भी आप देखते हैं आजकल कितनी जाति हो रही है, मगर खा की कहीं ना कहीं चुप है। आपको बता दें बड़ी खबर मथुरा से। मथुरा राष्ट्रव्यापी प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन IJU ने दिल्ली के देश पर्याय आह्वान पर प्रदेश इकाई उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के स्थानीय मथुरा यूनिट के बैनर तले स्थानीय पत्रकारों द्वारा प्रधानमंत्री जी के नाम सात सूत्रीय मांगों को लेकर श्री मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार की मांग की गई कि कोरोना काल के मुश्किल हालात में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले देश भर के सरकारी पत्रकारों को भी कोरोना योद्धा के रूप में घोषणा की जाए, और अन्य से व्यक्तियों की भांति भी सभी को 50-50 लाख का बीमा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाए, तथा कॉर्पोरेट एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सभी चिकित्सा संस्थान पत्रकारों उनके परिजनों को निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा सेवा प्रदान की जाए। मीडिया हाउस द्वारा कोरोना काल में नौकरी से निकाले गए समस्त साथियों को शाश्वत नौकरी पर बहाल किया जाए जिसके उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। सुचारू रूप से उन्हें दिक्कत परेशानियां हो रही हैं और मझूले समाचार पत्रों का विशेषण रूप से सरकारी विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाए जिसके समाचार पत्रों के सामने आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े, वह भी सुचारू रूप से संचालित हो सके। ज्ञापन में पत्रकार सुरक्षा कानून से लागू किया जाने की मांग की गई जिसके पत्रकारों पर बेवजह हमलों द्वारा संदर्भ में निश्चित कार्रवाई हो सके और उनको फर्जी मुकदमों से निजात मिल सके। विषम परिस्थितियों में कार्य करने वाले ग्रहण पत्रकारों को प्रशासन देने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। सिटी मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्राप्त हुए ज्ञापन को तुरंत DM कार्यालय माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा। मथुरा से मजिस्ट्रेट मनोज सिंह के साथ मुकेश कौशिक मथुरा। पत्रकार बंधुओं ने आज प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया है जिसे जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसे प्रेषित कराया दिया जाएगा। इसमें मुख्य मांग है कि जैसे कोई कोरोना काल में यदि किसी पत्रकार के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसको भी कोरोना योद्धा घोषित करते हुए उसे 50 लाख रुपये की अनुदान देने, अन्य सरकारों द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा दिया गया है उस तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू करने के संबंध में, के साथ साथ और 4-5 मामले और ऐड करेंगे। इसे आज ही इसको जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित करें।